हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक राजपूत और आपका मेरे चैनल डी आर एक्स विवेक हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत स्वागत है। आज की एक और नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोमिनिल एमडी टैबलेट के बारे में, जिसमें ऑंडिस्ट्रॉन ओरली डिस्ट्रीब्यूटिंग टैबलेट आईपी कंपोजिशन मिला हुआ है। मतलब ऑंडिस्ट्रॉन जो कि वॉमिटिंग उपके खट्टी डकर आना है ना, ऐसी समस्या को ठीक करने में ये मदद करता है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं और मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड है। शायद वोमिकाइंड टैबलेट का मैंने आपको जानकारी दी, वॉमिटिंग टैबलेट का आपको जानकारी दी है ना, वो अलग प्रोडक्ट था। ये पे जो है वोमिनिल एमडी, ये अलग से कंपोजिशन देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। इसका ब्रांड नाम अलग है वोमिनिल एमडी। इसके बारे में आज हम बात करेंगे किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करने के सही तरीके हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। इसके यूजेस, प्राइस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, कंपोजिशन, बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन, हर चीज के बारे में हम आज इस वीडियो में वोमिनिल एमडी के बारे में बात करेंगे। तो आपको कुछ नई जानकारी सीखने के लिए जरूर मिलेगी, तो वीडियो को पूरी और एंडिंग तक देखिएगा। वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, है ना। तो इस चीज से आप लोगों को ध्यान रखिएगा, कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन जानते मिस ना हो, तो पूरी जानकारी आप लेने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्निस्टोन जो है, जो कि एमडी मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स, मतलब होता है ओरली, डायरेक्ट मुंह में आप रखते हैं टैबलेट को, ऑटोमेटिक ये घुल जाती है। तो ये वॉमिटिंग होना, उपके होना, खट्टी डकार आना, जी मचलाना, ऐसे कुछ समस्याओं में ये आपको ऑर्निस्टोन बहुत ज्यादा हेल्पफुल मददगार होती है। जैसे कि आप कभी कभी सफर करते हैं कार बस में, जब आपका जी मचलाता है और आपको वॉमिटिंग ऐसे उपके ऐसे लगते हैं ना, तो किसी किसी को बस में ऐसा होता है, किसी को कार में ऐसा होता है, सिर गोल गोल घूमता है, उस समय पर ये टैबलेट जो है ऑर्निस्टोन इन सब चीजों को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है और डॉक्टर के द्वारा भी प्रिस्क्राइब की जाती है। जब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो इसको लंबे समय तक भी, कुछ 5-10 दिन तक भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब इसको किया जाता है ना। तो देखिए बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने के सही तरीके की, वोमिनिल एमडी जो टैबलेट जो है इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल डी आर एक्स विवेक हेल्थ एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत ज्यादा मददगार रहती है। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपकी मिस ना हो मेरे साथ, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेकर आता रहूं। तो देखिए बात करते हैं इस्तेमाल करने के सही तरीके की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसका वोमिनिल एमडी, एमडी मतलब माउथ डिसॉल्विंग। तो इस्तेमाल करने का नॉर्मल तरीके ये होता है कि जब भी आपको ऐसी समस्या होती है, वॉमिटिंग, उपके आना, खट्टी डकार आना, जी मचलाना, तो इसको नॉर्मली सुबह शाम 18 साल से ऊपर सुबह शाम एक टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। तो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब तब किया जाता है जब आपको ज्यादा समस्या होती है। नॉर्मल समस्या जो होती है खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक भी, एक दिन होगा, पूरे 2 दिन कंट्रोल नहीं होती है सब चीजें, तब डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नहीं तो इसके लिए डोमपेरिडोन कंपोजिशन भी आता है, वो भी इस चीज के लिए आपको हेल्प करता है, जो कि नॉर्मल वॉमिटिंग समस्याओं को हेल्प ठीक करने में मदद करता है। लेकिन जब उससे कंट्रोल नहीं होता, फिर ऑंडिस्ट्रोन वगैरह इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जल्दी से आसानी से कंट्रोल आपकी ये समस्या हो जाए, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस्तेमाल करने का तरीके 10 साल से 18 साल के बीच में जो है वहां पर भी इसको डॉक्टर के द्वारा एक टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन 10 साल से 18 साल से नीचे बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। 10 साल से नीचे के लिए सिरप या फिर ड्रॉप्स डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो 10 साल से 18 साल के बीच में या फिर 18 साल से और ऊपर इसका एक ही टैबलेट सुबह शाम, इसका MD4 है, MD2 भी इसमें आता है। इसमें 4 MG में मतलब जो की है ऑर्निस्टोन, जो की 4 MG मिला हुआ है 10 साल से 18 साल के लिए जो आता है वो की 2 MG में आता है ना। और 18 साल से ऊपर जो होता है वो 4 MG में आप चाहे तो इस्तेमाल ले सकते हैं आपके अनुसार, या फिर डॉक्टर के द्वारा भी आप सलाह लेकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका देखिए ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जैसे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप इस्तेमाल करे जा रहे हैं। इसका यूज ऑनली 4-5 दिन 6 दिन तक इसका नॉर्मल डोजेस के तौर पर आप इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ इंजेक्शन लगवा सकते हैं, है ना, कुछ कंप्लीट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, हो सकता है और भी कोई समस्या हो, तो आप कंप्लीट ट्रीटमेंट इंजेक्शन वगैरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर के द्वारा, है ना, या फिर कंप्लीट और भी डोज और भी टैबलेट्स एडिट वो कि डॉक्टर के द्वारा ले सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाए तो उनको
सारी बातें आपको जरूर बताना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती होनी चाहिए जो कि आप उनसे छुपाएं, क्योंकि हर एक बात जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे तब तक वो आपको सही प्रिस्क्रिप्शन सही टैबलेट्स नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। जब तक आप उनको क्लियर पूरी बातें बताएंगे कब से आपको समस्या है, कितनी है, कैसे हुई थी, है ना, कब कब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से पूरा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई इस्तेमाल करने के सही तरीके की बात। और मैं आपको हर वीडियो में सलाह देता हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, पहले एक बार डॉक्टर सलाह ले इसके बाद ही किसी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें। अगर साइड इफेक्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो वोमिनल एमडी टैबलेट से कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नॉर्मली नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करते हैं, ओवरडोज लेते हैं, तो साइड इफेक्ट डेफिनेटली आपको हो सकते हैं, है ना। मिसयूज ओवरडोज मिसयूज में ऐसा होता है कि आपको जरूरत नहीं तब उसका यूज करे जा रहे हैं, है ना, ताकि आपको समस्या ना हो, या फिर जो हो गई थी तो वो फिर से ना हो, ऐसा नहीं होता है। तब तक समस्या होती तब तक ही टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लंबे समय तक नहीं। और इसका ओवरडोज मतलब डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है सुबह शाम, तो ऐसा नहीं जल्दी ठीक होने चक्कर में तुमने तीन तीन चार चार पांच पांच बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब चीजें फिर आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। और देखिए दोस्तों, कोई कभी कभी किसी किसी को कोई कंपोजिशन से भी एलर्जी होती है, अगर आपको ऐसे कोई कंपोजिशन से एलर्जी है तो जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएं तो उनको एक बार आप जरूर बताएं कि आपको कौन से कंपोजिशन से कब किस प्रकार की एलर्जी हुई थी, है ना, तो फिर वो उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हो गई इस्तेमाल करने के सही तरीके की बात, साइड इफेक्ट्स वगैरह की बात। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि वोमिनल एमडी टैबलेट जो है इसके रैपर्स पे क्या डली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डला हुआ है ऑनडिस्टोन ओरली डिस्ट्रीब्यूशन टैबलेट आईपी, वोमिनल एमडी इसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेनिंग क्या कर रही है, जिसमें ऑनडिस्टोन 4 mg में इसमें मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा है डोजेस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जो कि सब पे लिखा हुआ था, एसएस पे लिखा हुआ है, स्टोरेज प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर एट टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 30°C, ज्यादा टेम्परेचर पे इसको नहीं रखना है, कीप ऑल द मेडिसिन आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से मेडिसिन को दूर रखें, है ना, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि इसकी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड बाय प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, है ना, अमेजिंग इसकी मार्केटेड कंपनी है, इसपे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग रेट एक्सपायरी प्राइस कर बात करते हैं वोमिनल एमडी टैबलेट की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट लिखी हुई है 11/2022 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और इसकी 12/2024 इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। प्राइस की बात करते हैं कितने क्या आता है, 58 rupees इस पे प्राइस चला हुआ है, लगभग 5.5-6 rupees की एक टैबलेट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 10 tablet का स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई डिस्काउंट रेट भी मिल सकता है, यहाँ तक आपको 50 rupees तक का स्ट्रिप ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर्स पर। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन वोमिनल एमडी टैबलेट की, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको वोमिनल एमडी टैबलेट्स के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, इसके यूजेस की बात की, प्राइस की बात की, बेनिफिट्स की बात की है, साइड इफेक्ट्स की बात की है, कंपोजिशन की बात की है, बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, मदद मिली होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगी, नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो को सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनकी भी मदद हो सके। और मेरे चैनल DRX विवेक हेल्थ एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वाली वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं जो कि अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग कंटेंट संबंधित जानकारी आपको देती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको देती हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।